कनक का मैनेजर मिहिर के बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम बहुत लकी हो, पता है तुम्हें मिस कनक तिवारी सामने से अप्रोच कर रही हैं। इसका मतलब समझते हो तुम? किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से हाँ बोल दो। मिहिर ने उस मैनेजर की बात सुनकर उसे घूर कर देखा, पर उसने बोलना जारी रखा और कहा, अभी तुम भले ही शर्मा रहे हो, लेकिन कुछ टाइम तुम मिस कनक के साथ बिताओ, तुम्हें उनकी कंपनी बहुत पसंद आएगी। और वैसे भी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल है। तुम कनक मैम की बात मानो, वो तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर देंगी। वो मैनेजर बिना किसी शर्म के सारी बातें बोलता जा रहा था और कनक मिहिर को देखकर अपने लिप्स को बाइट कर रही थी और मिहिर को उसे देखकर घिन आ रही थी। मिहिर ने नफरत भरी निगाहों से कनक और उसके मैनेजर की तरफ देखा और गुस्से से कहा, अगर तुम्हारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सब होता है ना, तो सच में तुम्हारी इंडस्ट्री काफी गंदी है और मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। कनक ने जैसे ही मिहिर की बात सुनी, उसने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मिहिर अचानक से इस तरह की कोई बात बोलेगा। वो मिहिर को एक कम उम्र का हैंडसम लड़का समझ रही थी, जिसे वो मैनिपुलेट कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मिहिर ने ये बात बोली, वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसने मिहिर के बदले हुए हावभाव को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? सच में तुम मुझे बहुत हैंडसम लगे, मैंने तुम्हारे जैसा इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बॉय आज तक नहीं देखा। वहीं उसके मैनेजर ने जैसे ही मिहिर की ये बात सुनी, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कनक मैम से इस तरह बात करने की? इससे पहले कि वो मैनेजर इसके आगे और कुछ बोल पाता, मिहिर उन दोनों की बातों को काफी ज्यादा बर्दाश्त कर चुका था और अब उससे उनकी बकवास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मिहिर ने उस मैनेजर की तरफ घूरते हुए देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। मिहिर के उस थप्पड़ ने न सिर्फ उसकी बोलती बंद कर दी, बल्कि वो जितने घमंड से ये सारी बातें बोल रहा था, उसका वो घमंड भी चकनाचूर हो गया। मिहिर के हाथ का तमाचा खाकर उसकी बोलती पूरी तरह से बंद हो गई थी और उसका जबड़ा दर्द होने लगा था, इसलिए उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल पाई और वो अपने गाल पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। अपने मैनेजर का ये हाल देखते ही कनक गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैनेजर को हाथ लगाने की? और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरे ही वैनिटी वैन में मेरे मैनेजर को मार सको? आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? अगर हिम्मत है तो तुम मुझे अपना नाम बताओ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। मिहिर ने जैसे ही कनक की ये बात सुनी, मिहिर ने गुस्से से घूरते हुए उस कनक की तरफ देखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अच्छा तो तुम मेरा नाम जानना चाहती हो, तो ध्यान से सुनो, मेरा नाम मिहिर बिष्ट है। जाओ, जिसे तुम्हें जो भी कहना है कह देना, तुम्हारे जैसी लड़की और तुम्हारी धमकियों से मिहिर बिष्ट डरता नहीं है। इतना बोलकर मिहिर चुपचाप उसकी वैनिटी से उतरा और वहां से चला गया। मिहिर को वहां से जाता देखकर कनक पूरी तरह से खिसिया चुकी थी और उसने मिहिर को जाते देखकर गुस्से से कहा, बहुत एटीट्यूड में तुम अपना नाम बताकर गए हो ना, रुको अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी पावर। कनक का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था, क्योंकि पहली बात तो मिहिर ने उसे जरा भी भाव नहीं दिया। उसके सामने से अप्रोच करने के बाद भी मिहिर ने उसे एक आंख भर के भी नहीं देखा और वहीं दूसरी तरफ उसने उसके मैनेजर को जोरदार चांटा चढ़ दिया। इन दोनों ही बातों से वो मिहिर के ऊपर बहुत ज्यादा खिसिया गई थी और उसने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें हर्ष का नंबर ढूंढने लगी। जैसे ही उसे हर्ष का नंबर दिखा, उसने तुरंत उसके पास फोन किया। कुछ ही देर में हर्ष ने उसका कॉल रिसीव किया। जैसे ही हर्ष ने कॉल रिसीव किया, कनक ने उसे हेलो बोलने का भी मौका नहीं दिया और अपनी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग का इस्तेमाल करते हुए कनक ने बोलना शुरू किया और कहा, मिस्टर हर्ष, आपने मुझे जिस शूटिंग के लिए यहाँ पे आने के लिए कहा था ना, मैं उसके सेट से बोल रही हूँ, आप यहाँ पर इस समय क्यों नहीं है? आपको पता है मेरे साथ यहाँ पर कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है? हर्ष ने जैसे ही कनक की बात सुनी, हर्ष को कुछ समझ नहीं आया और उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या 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 मतलब है आपका मिस कनक, क्या क्या हुआ? कनक ने हर्ष का ये सवाल सुनकर रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, आज आप यहाँ पे क्यों नहीं आए मिस्टर हर्ष, जब आपको पता था कि आज यहाँ पर एड शूट करने के लिए मुझे बुलाया गया है और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पर आई हूँ, तो आपको यहाँ पर होना चाहिए था। अगर आज आप यहाँ पर होते तो ये लोग मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करते और मेरी भी थोड़ी रेस्पेक्ट होती, लेकिन रेस्पेक्ट तो दूर की बात है, यहाँ के लोग तो मुझे। इतना बोलकर वो रोने लगी। उसे इस तरह रोता हुआ सुनकर हर्ष थोड़ा सा हड़बड़ाया और बोला, प्रॉब्लम क्या हुई मिस कनक? हेलो हेलो, आप मुझे ये बताएं कि आपके किसी फैन ने आपके साथ कोई बदतमीजी की क्या? हर्ष को लग रहा था कि कनक के किसी चाहने वाले ने सेल्फी ऑटोग्राफ की वजह से उनकी प्राइवेसी स्पॉइल की हो, या फिर जबरदस्ती ऑटोग्राफ लेने के लिए करीब आ गया हो, क्योंकि सेलिब्रिटीज के साथ अक्सर ये होता ही रहता है। हर्ष की बात सुनने के बाद भी कनक ने कुछ नहीं बोला और वो रोती ही जा रही थी। तभी हर्ष ने कहा, प्लीज मिस तिवारी, आप बताइए तो आखिर आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, मैंने आपको जिस कंपनी में काम करने के लिए भेजा है, उस कंपनी से तो आपको कोई शिकायत ही नहीं होनी चाहिए, प्लीज बताइए तो सही। भले ही कनक ने शिकायत करने के लिए हर्ष के पास फोन किया हो, लेकिन रोते हुए भी वो अपने नखरे करना नहीं भूली और उसने जैसे ही हर्ष के मुंह से मिस तिवारी सुना,
उसने तुरंत कहा, प्लीज मिस्टर हर्ष, आप मुझे मेरे सरनेम से नहीं बल्कि मेरे फर्स्ट नेम से बुलाया कीजिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आपके मुंह से मिस तिवारी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप मुझे कनक ही कहा कीजिए। हर्ष ने जैसे ही कनक की ये बात सुनी, उसने अपनी दोनों आंखें गोल घुमाते हुए कहा, अच्छा तो मिस कनक बताइए क्या बात है। इतना बोलकर हर्ष ने अपने मन में कहा, पता नहीं ये सेलिब्रिटीज के नखरे खत्म क्यों नहीं होते। इतना सोचकर वो कनक के बोलने का इंतजार कर रहा था। कनक बस रोने का नाटक ही करते जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। हर्ष को समझ नहीं आया कि वो उसे चुप कराने के लिए और क्या कहे, इसलिए उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वैसे मिस कनक आप मुझे ये बताइए कि जिस शूट के लिए आप वहाँ पे गई थी वो शूटिंग अभी कंप्लीट हो गई या नहीं? आई थिंक कंप्लीट हो ही गई होगी, क्योंकि एक एड शूट ही तो था, उसमें तो मुश्किल से 2 या 3 घंटे लगने चाहिए थे। देखिए अगर शूटिंग कंप्लीट हो गई है तो आप वापस आकर मुझसे बात कीजिए। हर्ष ऋतिक और ऋतिका के साथ मुंबई में ही रुका हुआ था और कुछ दूसरे बिजनेस टॉपिक्स थे जिन पर वो उनसे बात कर रहा था, इसलिए वो अभी तक ओल्ड सिटी नहीं गया था और उसे वहाँ की सिचुएशन नहीं पता थी कि शूटिंग स्टार्ट हुई भी है या नहीं, इसलिए उसने डायरेक्टली कनक से ये बात पूछी। जैसे ही हर्ष ने ये बात पूछी, कनक के रोने की आवाज बंद हो गई और उसने तुरंत चिढ़ते हुए कहा, मिस्टर हर्ष शूटिंग की तो बात भी मत कीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने शूटिंग स्टार्ट ही नहीं की है और उससे पहले मुझे यहाँ ओल्ड सिटी के लोगों ने बहुत पीटा है। उसने जानबूझकर बात को घुमा फिरा कर बताया और उसे ये भी नहीं बताया कि उसे मारा गया है या फिर उसके मैनेजर को। वो जानबूझकर ऐसा बोल रही थी ताकि हर्ष का ध्यान उसकी तरफ हो जाए और उसका ये प्लान काम भी आया। हर्ष ने तुरंत ये बात सुनकर शॉक्ड होते हुए कहा, क्या क्या कहा आपने मिस कनक, आपको ओल्ड सिटी के लोगों ने मारा है? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है वो जिसने इतने बड़े सेलिब्रिटी को मारने की हिम्मत दिखाई? कनक ने जैसे ही ये बात सुनी वो थोड़ी सी शांत हुई और तभी हर्ष ने तुरंत उससे पूछा, मिस कनक क्या आपने उस आदमी से ये नहीं बताया कि आपके पास सिंघानिया कंपनी का सपोर्ट है और आपको वहाँ सिंघानिया कंपनी ने ही भेजा है? जैसे ही हर्ष ने ये बात पूछी उसने तुरंत कहा, मैंने उस लड़के को ये बताया लेकिन इस बात को उसने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और साथ ही ये भी कहा कि वो हर्ष सिंघानिया जैसे इंसान से नहीं डरता और ये मुंबई है दिल्ली नहीं जो सिंघानिया कंपनी के नाम से मैं उसे डरा सकूं। कनक ने सारी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया। ये बात सुनते ही हर्ष ने गुस्से से कहा, कौन है वो जिसने ये बात बोलने की हिम्मत की है? लगता है उसके दिन पूरे हो चुके हैं। हर्ष को इतने गुस्से में देखकर कनक मुस्कुराई। उसने जानबूझकर ऐसी बातें बोली जिससे हर्ष गुस्से में आ जाए। हर्ष को इतना गुस्से में देखकर उसने आग में घी डालने वाला काम किया। उसने कहा, वो सिंघानिया कंपनी को भी बहुत बुरा भला बोल रहा था और मैंने आपकी कंपनी का नाम लिया फिर भी उसने यही कहा कि वो किसी से नहीं डरता और जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुझे अपना नाम मिहिर बिष्ट बताया और कहा कि जाओ जिससे बताना है बता दो, मैं किसी से नहीं डरता। हर्ष ने जैसे ही कनक के मुंह से मिहिर बिष्ट का नाम सुना वो बोलते बोलते अचानक रुक गया और उसने सोचा कि शायद उसे गलत नाम सुनाई दिया है, इसलिए उसने दोबारा पूछा, क्या कहा? एक मिनट फिर से तुम मुझे उसका नाम बताओ, शायद मैंने ठीक से सुना नहीं है। कनक ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, उसने अपना नाम मिहिर बिष्ट बताया। हर्ष ने जैसे ही ये बात सुनी उसने गुस्से से कहा, क्या मिहिर बिष्ट? तुम बस 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर हर्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही कनक अपने मैनेजर के बगल में आकर बैठी। वो अभी भी अपने पूरे जबड़े में दर्द महसूस कर रहा था। कनक ने उसका हाथ उसके गालों पर से हटाया और देखा कि उसके गाल पर मिहिर की 5 उंगलियों के निशान छपे हुए और उसका मुंह पूरी तरह से लाल है। कनक ने उसके उंगलियों के निशान को देखते हुए कहा, कपिल तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने मिस्टर हर्ष को बुलाया है, वो अभी आकर इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे और इस लड़के को तो छोड़ेंगे नहीं। देखना मैंने उन्हें इतनी अच्छी तरह से भड़काया है कि वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हमारा ही सपोर्ट करेंगे। कपिल ने उसकी पूरी बात सुनी लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला क्योंकि उसका पूरा जबड़ा हिला हुआ था। कनक ने उसके गाल को छुआ और तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, आओ क्या कर रही है मैम, क्या कर रही है मछुआ, मुझे लग रहा है मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, मेरा पूरा जबड़ा हिल चुका है, पता नहीं उस लड़के का हाथ था या हथौड़ा। क्या होगा हर्ष के वहां पर आने के बाद, वो कनक का सपोर्ट करेगा या फिर मिहिर का? इस बात को लेकर हर्ष और मिहिर में लड़ाई हो जाएगी क्या? क्या कनक का भड़काना काम कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।